पाकिस्तानी कौम दुनिया की इन कौमों में से है जहां चावल की सालाना खपत हैरतअंगेज है। चावल हमारी रोजमर्रा खुराक में इंतहाई जूद हजम, तैयारी में आसान और हर किचन और हर दस्तरखान का लाजमी जुज्व है। पाकिस्तान चावल इस्तेमाल करने के साथ साथ चावल की वसी और लजीज इकसाम पैदा करने और चावल की बरामद से सालाना माकूल मुनाफा कमाने वाले ममालिक में शामिल है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि चावल को पाकिस्तान में कितने पेचीदा साइंसी अमल से काबिले इस्तेमाल बनाया जाता है। इस अमल का सबसे जरूरी हिस्सा हमारा जफाकश किसान है, जिसका दिन शुरू होता है अजाने फजर से। जागते ही मुंह हाथ धोकर जानवरों का दूध धोया जाता है। और खातून खाना नाश्ते की तैयारी में लग जाती हैं। गांव का नाश्ता बहुत ही सादा होता है, अमूमन लस्सी, चाय और पराठे का नाश्ता किया जाता है। नाश्ते के बाद घर के अफराद खेतों का रुख करते हैं। चावल जो है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे खाई जाने वाली चीज है, इसीलिए हम इसकी जो है वो काश्त करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है और इसमें 3 से 4 माह जो है वो लगते हैं। चावल की काश्त का अमल जून के महीने में शुरू होता है। पहले से मौजूद बीज को पानी में तकरीबन 3 दिन तक भिगोया जाता है, यहाँ तक कि वो नर्म होकर जड़ें निकालना शुरू कर दें। यहाँ से इन बीजों को नर्म और पानी से भरपूर तर जमीन में मुंतकिल किया जाता है। इस अमल को पनीरी लगाना कहते हैं। इस अमल में बीज परवरिश पाकर जमीन में छोटे पौधों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिन्हें मुंजी कहा जाता है। मुंजी का बीज पहला लेना है, ओनू पीना है, पी के पानी दे विच जो रखना है 24 घंटे विच, 24 घंटे तो पीछे मुड़ो नू पोए ते लोद देना है, लोद के उत्ते कपड़ा पा देना है, उत्ते पानी पाई रखना है, दो पर पिछों 4 घंटे पिछों 5 घंटे पिछों ओनू अजगर के हाथ मारना है, हलाई रखनी है, मतलब ये सेक ना पै जाए, फिर वो जरी जरी उंगर जाए रही अगों नके वो फुट जाण दे, फुट गए जे वो चौके तो मुड़ो बच्चे सड़ने ने इतने लाभ गलनी जिते पानी सड़ना है ना उसे बीज पाना है। बीज बोने के तकरीबन 30 दिन बाद पनीरी की शक्ल में मौजूद मुंजी को जमीन से निकाल कर खेत में मुंतकिल कर दिया जाता है। इससे पहले जमीन को खूब हल चलाकर नर्म कर दिया जाता है। इसके बाद पानी लगाकर जमीन को तर किया जाता है। जब जमीन पानी से भरपूर हो जाए तो इसमें ट्रैक्टर की मदद से सुहागा मारकर जमीन को हमवार किया जाता है। पनीर को जमीन में मुंतकिल करने से पहले जमीन में हल चला के पानी छोड़ देते हैं। पानी छोड़ने के बाद ट्रैक्टर से सुहागा वगैरह लगा लेते हैं ताकि उसका लेवल भी हो जाता है, उससे वो मिट्टी भी मिक्स हो जाती है। उसके बाद पनीर को मुंतकिल करना शुरू कर देते हैं जमीन में। खेत में मुंजी मुंतकिल करने का अमल शुरू किया जाता है। किसान सुबह खेतों में पहुंचकर मुंजी के पौधों को एक दूसरे से अलहदा करके कतार दर कतार कीचड़ वाली तर जमीन में लगाते हैं। इस अमल को मुंजी लगाने का अमल कहते हैं। गांव के अफराद बहुत ही सादा तबीयत होते हैं। खेतों में हुक्का पीना इनकी रोजमर्रा मामूल का हिस्सा है। मुंजी लगाने के बाद फसल की जहर पाशी की जाती है ताकि नुकसानदेह जड़ी बूटियां परवरिश ना पा सकें और तल्फ हो जाएं। चावल की फसल को तैयार होने के लिए पानी की भरपूर मिकदार की जरूरत होती है, चुनाचे इस बात का खास ख्याल रखा जाता है ताकि फसल को किसी मरहले पर भी पानी की कमी का सामना न करना पड़े। मुंजी लगाने के तकरीबन 2 माह बाद चावल के दाने बनना शुरू होते हैं और इसके 1 माह बाद यानी मुंजी लगाने के बाद 3rd महीने में चावल के दाने पक जाते हैं और फसल तैयार होकर हरे से खाकी रंग इख्तियार कर लेती है। इसके बाद फसल की कटाई और छटाई का अमल शुरू होता है।
इस अमल में तैयार चावल के पौधों को दरांती से काटा जाता है और इनके गुच्छे बनाकर जमीन पर या अमूमन किसी ड्रम पर पटक कर चावल के दानों को पराली से अलग कर लिया जाता है। अलहदा किए गए दानों को कपड़े या तरपाल में समेट लिया जाता है और यहाँ से महफूज करके कुछ दाने बीज के तौर पर रख लिए जाते हैं और बाकी दानों को शेलर में सफाई और पैकेजिंग के लिए मुंतकिल कर दिया जाता है। शेलर में पहुँचने पर चावल के दानों को धूप में सुखाया जाता है ताकि तमाम नमी खत्म हो जाए और चावल के दाने खुश्क हो जाए। चावल खुश्क करने के बाद बोरियों में मुंतकिल करके शेलर मशीन तक ले जाए जाते हैं। शेलर मशीन में चावलों को मुंतकिल करके एलिवेटर मशीन में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां से चावल डस्ट फ्लोर में जाते हैं, वहां से इन्हें धूल से पाक करके वाइब्रेटिंग मैश में मुंतकिल किया जाता है, जहां पत्थर और घास फूस चावलों से अलग कर दिया जाता है। फिर चावल डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए रबर रोल मशीन में मुंतकिल किए जाते हैं, जहां चावलों के ऊपर से छिलका उतारा जाता है। यहां से चावलों को छिलके से अलग करके एलिवेटर के जरिए सेपरेटर मशीन में मुंतकिल किया जाता है। सेपरेटर में मुंतकली के दौरान एक पंखा चावलों को छिलके से अलग कर देता है। सेपरेटर मशीन छिलके और बगैर छिलके वाले चावलों को अलग कर देती है। यहां से छिलके वाले चावल दोबारा से रबर रोल मशीन में छिलका उतारने के लिए मुंतकिल किए जाते हैं और बगैर छिलके वाले चावल रील मशीन को दे दिए जाते हैं, जहां छिले हुए चावलों को छानकर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद चावलों को एसएम मशीन को दे दिया जाता है, जहां चावलों को पॉलिश किया जाता है। यहां से एक और एसएम मशीन में चावलों को मजीद पॉलिश किया जाता है। यहां से एनएफ मशीन में चावल मुंतकिल होते हैं, जहां से चावल भरपूर पॉलिश होकर छानने वाली मशीन को दे दिया जाता है। टोटा और खराब चावल अलग करके अच्छे चावल पैकेजिंग के लिए भिजवाए जाते हैं। चावल बोरियों में पैक होकर मार्केट भिजवा दिए जाते हैं। मार्केट से चावल खरीदकर घरों और होटलों में ले जाए जाते हैं, जहां ये चावल मुख्तलिफ पकवानों की जीनत बनते हैं, जो हम खूब मजे से खाते हैं।